हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ही आपके लिए खास होने वाली है। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, मेरे हाथ में यहाँ पर मौजूद है एक अदद पत्थर। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और आप शायद इसको जानते भी होंगे। दोस्तों, इसको कहते हैं हम दुर्रे नजफ। तो दोस्तों, इसकी मजहबी और तारीखी हैसियत सभी जानते हैं और सबको ही मालूम है कि ये किस कदर हमारे लिए मुकद्दस पत्थर है। मगर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि इसकी साइंटिफिक हैसियत भी है, यानी ये बनता किस तरह से? तो दोस्तों, इस वीडियो में इन्हीं चीजों पर मैं बात करूंगा कि ये कहां कहां पाया जाता है, कैसे जमीन के अंदर ये बनता है, किस तरह से ये हासिल होता है। और दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। क्या आपको यकीन है कि भाई लेजर, अल्ट्रावायलेट और आम रोशनी किसी पत्थर के अंदर से गुजर सकती है? तो दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक अदद लेजर। तो दोस्तों, इसके अंदर तीनों किस्म की लाइट है। तो भाई, इसको भी हम पत्थर के ऊपर डालकर देखेंगे और फिर देखेंगे कि दुर्रे नजफ इसके अंदर किस तरह से हमें दिखाई देता है। मगर दोस्तों, ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है कि ये आता कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई जमीन के अंदर बहुत सारी धातें होती हैं, यानी कि जिस वक्त जमीन के अंदर सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक साथ होते हैं दोस्तों, तो वो सब मिलके एक चट्टान बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्फीबोलाइट। तो दोस्तों, एम्फीबोलाइट चट्टान जब होती है तो जमीन से बाहर निकाली जाती है, या तो कानकनी करके या फिर समंदर से हासिल की जाती है। तो दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी क्रिस्टल्स होती हैं और क्रिस्टल भी मुख्तलिफ रंगों की होती हैं, यानी कि लाल भी हो सकती है, हल्की हरी भी हो सकती है, आसमानी भी हो सकती है और दुर्रे नजफ की कलर की जैसी भी हो सकती है, या बिल्कुल ही इस तरह से हो सकती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि बिल्कुल पानी के ही कलर की हो। तो दोस्तों भाई, दुर्रे नजफ जो है क्रिस्टल की सूरत में निकाला जाता है, एम्फीबोलाइट चट्टान से निकाला जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा जो है इसकी दो किस्में होती हैं, यानी कि ये समंदर से भी हासिल किया जाता है और जमीन से भी हासिल किया जाता है। तो भाई, ये पाकिस्तान में, ईरान में, अफगानिस्तान में, इंडिया में और इसके अलावा दोस्तों दुनिया में मुख्तलिफ मकामात पर पाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं और फिर करके देखते हैं कि ये मुख्तलिफ रोशनियों में किस तरह का हमें नजर आता है। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा वक्त, टाइम और पैसा, हर चीज ही लगती है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी अगर आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम अंजाम देते हैं। Please subscribe Mr. Everything Experiments. तो दोस्तों, देखिए दुर्रे नजफ करीब से देखने पर कुछ ऐसा मालूम होता है। दोस्तों, इसके अंदर ये जो धुंधला धुंधला पाने, कुछ बादल बादल थे, ये असली होने की पहचान है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो भी हल्का हल्का सा धुंधला होता है। तो दोस्तों, इतना खूबसूरत पत्थर है, इसको किसी भी एंगल से आप घुमाएं, इसके अंदर से आपको जो है लाइट चमकती हुई नज़र आएगी। तो दोस्तों, इसको लाखों साल लग जाते हैं ज़मीन के अंदर बनने में। इसके अलावा मैं इस पर और भी एक्सपेरिमेंट करूँगा। दोस्तों, इसकी हार्डनेस जो है 6.5 होती है। तो दोस्तों, देखिए अल्ट्रावायलेट के अंदर दिन की रोशनी में ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, यानी इसके बादल विजिबल होते हैं और लाइट इसमें से पार नहीं हो पाती। दोस्तों, अब ये देखिए, ये आम रोशनी में आपको दिख रहा है, ये भी अपने अंदर ही रोशनी को बैंड करके रखता है। दोस्तों, अपने अंदर से पार होने नहीं देता। अगर ये शीशे का होता तो ये रोशनी पार हो जाती किसी न किसी एंगल से। तो दोस्तों, ये देखिए, पानी में डालकर इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपको ऐसा मालूम हो रहा होगा जैसे पानी के अंदर हमने बर्फ का टुकड़ा डाल दिया। दोस्तों, इसके बादल इसके अंदर भी हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि जो शफाफ मटेरियल है वो बिल्कुल पानी के कलर से मैच कर गया, मगर जो बाकी चीज़ थी, यानी धुंधला धुंधला सा उसमें मटेरियल था, वो आपको साफ नज़र आ रहा होगा हर एंगल से। तो दोस्तों, देखिए इसके अंदर जब हम लेज़र मारते हैं तो दोस्तों इस तरह से लेज़र इसके अंदर ट्रैप हो जाती है, यानी बिल्कुल ही कैद हो जाती है। दोस्तों, अब बारी आती है लाइट बंद करने के बाद इस पे एक्सपेरिमेंट करने की। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये अल्ट्रावायलेट मारी जा रही है और इसमें भी इसमें बादल जैसा इसको नज़र आ रहा है। और दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे ये जो आम रोशनी है इसमें भी इसके बादल दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, अब बारी आती है इसकी, यानी कि लेज़र की। तो दोस्तों, देखिए लेज़र इस पे किसी भी एंगल से मारें तो किस कदर वो शाइनी शाइनी सा हो जाता है, यानी चमकदार हो जाता है। दोस्तों, अब की बार इसमें अल्ट्रावायलेट और लेज़र एक साथ मारी जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पत्थर है।